ये देखो, रात को इसके पापा के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है ये। दोनों बनियान बनियान पहन के इसके पापा के ऊपर बैठता है। देखो उसके पापा कर रहे हैं एडिटिंग ब्लॉग की, आपके लिए रेगुलर ब्लॉग ला रहे हैं हम इसलिए। और हम खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं दोनों ही। ये देखो मजा आता है क्या तुझे, पापा घोड़ा है क्या है? ये देखो इसको बहुत मजा आता है इस लड़के को। थोड़ी आवाज कम करो ना। ये देखो, अरे गिरेगा क्या पीछे बच्चे? इतनी मस्ती मत कर, फिर लगेगी फिर तेरे ऐसे ही। ये रात को उसके पापा के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है लड़का। कॉपी है इसके पापा की पूरी। देखो देखो इसके बाल भी इसके पापा को गए हैं। इनके भी कर्ली हेयर्स है तो इसके भी कर्ली हेयर्स है। कॉपी है ये पूरी इसके पापा का। ये गिरेगा बेटू, गिर जाएगा, माथे भी लग गई। देखो कितनी मेहनत करके चढ़ता है ये पीठ पे। अरे बहुत हंसी आ रही है तुझे? इनकी मस्ती ऐसी होती है रात को। और ये ऑफिस से आके खाना खा के एडिट करते ब्लॉग और मैं बना देती हूँ ब्लॉग। तो आप बताना हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके। और ये देखो मार रहा है पापा के। बैठिया पूरा ही। बस बेटा बस, अब बस बस। आप कमेंट करके बताना कि इसकी शक्ल किससे मिलती है इस बच्चे की, इसके पापा से या मेरे से। मुझे तो इसके पापा जैसा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आपको मैं दिख रही होंगी रेडी हुए हुए पूरी ड्रेस, अभी दिखाऊंगी आपको। तो आप कमेंट करके बताना आप मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि हम अभी कहीं जाने वाले हैं तो आप लोगों की सरप्राइज़ है। तो आप लोग बने रहे। और अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसके पापा को दिखाती हूँ मैं। ये कपड़े पहना रहे इसको, और ये मेरी दुकान है पूरी। देखो ट्रॉली बैग में मेरी ब्लाउज है, और इसको साइड में करती हूँ। ये मेरी ओढ़नियाँ हैं। अगर आपको मेरे कपड़ों का कलेक्शन जानना है तो आप कमेंट करके बताना। तो ये है मेरी ड्रेस देखो, और आपको वीडियोस में भी दिख जाएगी मेरी ड्रेस। तो आप कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम जा रहे हैं स्पेशल जगह, तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ। चले चलो। ये देखो ये नॉटी बॉय आज इसकी कटिंग करा के लाया है। इसके जूते का है, इसकी कटिंग हनी सिंह वाली कटिंग है इसकी। इसकी कट भी लगवा के लाए हैं। ये कट देखो इसकी कट। कट ये इसकी कट। ये रे इसकी कट। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं और सीता जा रहे हैं बहुत ही प्यारी जगह पे, और दिल्ली में है। सीता को काफ़ी दिन हो गए थे, बोल रही थी घुमाया नहीं मुझे, तो मैं क्या थोड़ा सा बिजी चला था मेरा शेड्यूल ऑफिस की वजह से। तो आज सीता को लेके जा रहा हूँ बहुत ही प्यारी जगह, दिल्ली की मतलब बहुत ही प्यारी जगह है वो। तो आपको भी दिखाएंगे, आप ब्लॉग के साथ बने रहना। और अभी सीता से भी मिलाता हूँ मैं, क्या करें देखते हैं। तो ये भाई साहब पेट पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या खा रहे हो तुम? मिल्क केक मेरा फेवरेट है। तो ये देखो आप सब भी खा लो खाना, बट ये दिल्ली का बढ़िया नहीं होता इतना। मुझे तो अच्छा लगता है सब। सीता का फेवरेट है भाई मिल्क केक। और ये देखो हमारा कूली क्या कर रहा है, तो कहाँ गाड़ी चला रहा है देखो इसका। बस ये सारे दिन बस ये ट्रॉली बैग से गाड़ी चलाता रहता है इधर से उधर। अरे और दिल्ली का मौसम तो भाई साहब धूप हो रही है आज बहुत ज्यादा। और ये देखो इस मिल्क केक से एक बहुत अच्छी याद दिल रही है। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी ना मेरे बच्चे की, लास्ट टाइम पे मैं ना ये एक मिल्क केक ही खा के गई थी 1 घंटे पहले मेरे ऑपरेशन होने से पहले। तो मुझे मीठी कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी, और अभी भी मुझे मीठा बहुत पसंद है, बच्चे को भी और मुझे भी दोनों को। तो मीठा पसंद है भाई सीता को, आप सब खा लो। अरे यार क्यों ऐसे क्यों झूठ मूठ, रियल में खिलाना भी कभी खिलाए तो 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ तब खिलाऊंगी। तो सीता क्या है थोड़ी लालची है, तो इसको थोड़ा सा बस वो रहता है कि इसके अब 10K करेंगे जब इसकी लाइव आएगी। तो लाइव ऐसे देख रहे लोग बाग तुझे, लाइव क्या आएगी तू?
लाइव आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगी ना मैं। हाँ लाइव आएंगे हम जब 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। लालची नहीं हम, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। देखो इतनी हैवी ड्रेस मैं दिल्ली में पहन के जा रही हूँ, दिल्ली में कोई पहनता भी नहीं ऐसी ड्रेस। हाँ ये तो है। और इतनी हैवी ड्रेस, इतनी गर्मी हो, बाहर इतनी उमस हो रही है बारिश की वजह से, तो देखना आप क्या रिएक्शन रहता है। और बच्चे को लेके जाना, ये देखो ऐसे खा के भगता बस। अरे इसकी क्या दांतों में वो चलती है ना, तो इसलिए शायद वो ऐसे करता होगा ना। तो तू खा ले फिर चलते हैं। देखो 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 ऐसे खाएगा ये। क्या खा रहा तू ऐसे? मम्मा ने खिला रही तुझे? अरे कुली कुली बॉय, ओ कुली बॉय कहाँ का क्या कर रहा है तू? आ तो हरी ये देखो इनकी हरकत, इसके पापा की। ये देखो ये अपने प्रेस के लिए कपड़े देने गए थे, आप सच बता रही हूँ मैं। प्रेस के लिए कपड़े देने जाते हैं ना तो ये बेडशीट उठा के ले जाते हैं। हाँ तो यहाँ बेडशीट बिछी हुई थी, ले गए। ये भी कोई बच्चे से कम नहीं है, इनको थैला नहीं मिला लेकिन इनको बेडशीट। थैले कोड़ जा आपने पता मुलाजी को सर, थैले वो मेरे बेड में। एक बार तो दोबारा बोल बताओ ना, है यहाँ बोल बता अपने जीवन बस। अब क्या की बेडशीट ले गया मैं वहाँ पे, ऐसे बोल। ये देखो इनकी एक हरकत बताती हूँ मैं। अरे हिंदी नहीं आपने पास बोले आप थान सबने ने एक हरकत बताऊं थी कि ये अतरा ज्यादा मतलब वो है, सारे घर में जने गंदगी फैला रहा के जब मारवाड़ में सोच थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट्स आ चुके हमारे ब्लॉग पे कि आप हिंदी में क्यों बोलते हो, आप राजस्थान से अच्छे तो मारवाड़ी में क्यों बोले। तो मैं मारवाड़ी में बोल के बता रही हूँ आपको। ये तू बता क्यों ने बोला है ये बता पहले तो। क्यों बोलूँ? क्योंकि मुझे मतलब हिंदी में शुरू से ही मारवाड़ी नहीं बोली इनके साथ, मतलब जब से शादी हुई है सगाई हुई है मैं हम दोनों हिंदी में बात करते हैं। और ये अच्छा भी है, जैसे बच्चा हमारे साथ बड़ा हो रहा है तो हिंदी सीखेगा। अच्छा तो अपनी भाषा में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो भी दोनों सिखा दूंगी मेरे बच्चे को लेकिन मैं भूल जाती हूँ बीच में मारवाड़ी बोलना। अच्छा तो जिसू आता ने की बात बताऊँ चू, ये चाहे बेड शीट ही लेगा प्रेस में कपड़ा दे बता, तो यार घनी तेज में लड़ू छू लेकिन ये कौन माना हर बार ही बेड शीट ले जाओ चाहिए। ये देखो केला खाना है इधर लाओ, नाचो 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 लो 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 इधर आओ। अरे अरे तारे अरे तारे तारे तारे। तो आप सब कमेंट करके बताना कि मैं मेरे ब्लॉग में हिंदी बोलूं या मारवाड़ी बोलूं, आपको क्या अच्छा लगता है। ये देखो नहीं नहीं खाएगा और नहीं खाएगा, अभी भरा हुआ उसका पेट। चलो चलते हैं फिर अपन, चलो ठीक है। ये बैठ के गाड़ी में, और गाड़ी का कल आपको दिखाया था आज कल के व्लॉग में कि देखो कितनी अच्छी हमने लाइटिंग वाइटिंग करवाई है इसमें, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है ये वाली। चले बेटी चले क्या? छह सीजन देखा था बस। तो यहाँ पे भाई साहब बिग बॉस पे डिस्कस हो रहा है अभी, पीछे उमर भाई और सीता और रियान तीनों में हो रहा है, और उमर भाई हमारे साथ जा रहे हैं वापस। हम सब जा रहे हैं दोबारा से, चल रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए। अभी चलते हैं दो, किसी हमने दो गार्डन्स की जो है अभी हम लोकेशन बताएंगे नहीं लेकिन हां कोई दो गार्डन है वहीं चल रहे। और हमारे फिक्सर यान ड्राइवर सीट पे रियान यार गाड़ी अच्छी चलाता है इसलिए रियान को देते हैं, पूरे ट्रैफिक का नियमों को पालन करता है गाड़ी और स्पीड नहीं चलाता। उसे ओनली तीन चार ऑप्शन आते हैं ना, तो एक तो मेंबरशिप मिलेगी आपको। अच्छा। और एक सुपर थैंक्स मिलेगा और क्या और एक और था कुछ। अच्छा शॉपिंग का तो इसमें अपन कोई। तो हेलो गाइस अभी हम हैं ये कश्मीरी यमुना के पुल पे, और देखो पानी कितना ऊपर आ गया, पूरा भर गया, हमारी गाड़ी डूबने वाली है इसमें। और इधर देखो सीता की तरफ भी पानी आ रहा है और हम बड़ी मुश्किल से बच के जा रहे हैं। बहुत रियल गाड़ी भगा जल्दी। तब बाढ़ की हालात हो गए थे, आधी दिल्ली डूब गई थी, आधी हमारी तरफ है तो सिस्टम हैंग कर देंगे। सिस्टम हैंग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे बीच में, और अभी बात चल रही है, किसकी चल रही है बात रियान? अभी बात चल रही है एलविश यादव की। तो एलविश यादव है, तो एलविश यादव अभी बहुत ट्रेंड में है, तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ। देखो ये जो हमारी भाभी हैं ये भी एलविश यादव की जो भाई है उनके फैन है, तो अभी वही बात चल रही थी। सीता से पूछो क्या क्यों फेमस हो, सीता सीता बता क्यों फेमस है?
मुझे भी नहीं पता था, लेकिन पता चला कि उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो उसके वास्तव में थे। फिर मैंने उसके बिहेवियर से पता चला कि वो क्यों है उसके सब्सक्राइबर इतने, उसका नेचर ऐसे, मतलब अच्छा लगा आपको देख के कि भाई हां मजा आ गया टाइप, मजा आ गया। वो कैसे करते हैं एक एक्शन, एक वो बोल के बता रहे हैं, एक फेमस बहुत अच्छा लगता है। उसका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है अपना, सिस्टम अपना। अरे वो भी तो है सिस्टम हैंग। तो भाई ये देखो, ये लोग देखो, ये सब लोग ना ये नीचे रहते थे यहाँ पर। जब अच्छा। ये पानी आया ना सारा, अच्छा। बाढ़ का पानी आया है, तो अच्छा। ये सब लोग ऊपर आ चुके हैं।